आसमान आज अलग अलग रंगों की पतंगों से सजा है। अक्षरा का मायका हो या ससुराल, आज ये सभी मस्ती के रंग में डूबे हैं। किसी और की नहीं बल्कि ये तो एक दूसरे की ही पतंग काटने में लगे हैं। है संक्रांति का तो फिर महेश्वरीज और सिंघानियास कैसे पीछे रह सकते हैं? इन्हें तो बस सेलिब्रेशन का मौका चाहिए और जैसे ही इन सबको ये मौका मिला तो बस फिर क्या था, इनका नाच गाना और एक दूसरे की टांग खींचना शुरू हो गया। भाभी माँ ये त्योहार मना रही है घर में और हम सब लोग उनके साथ हैं तो बहुत खुशी हो रही है। नैतिक यहाँ अपनी पतंग के साथ साथ अक्षरा को भी संभाल रहे थे। एक तरफ था नक्ष तो दूसरी तरफ थी नायरा, जो एक दूसरे से कंपटीशन में लगे थे। नक्ष के साथ जहाँ तारा खड़ी थी वहीं नायरा का साथ उसके पापा दे रहे थे। और फिर क्या था, नायरा ने नक्ष की पतंग काट दी और उसके बाद की खुशी तो आपको उसके चेहरे पर दिख ही रही होगी। सभी के चेहरों पर आज संक्रांति मनाने की एक खुशी साफ साफ दिख रही है। उदास थी तो बस तारा, जो शायद नक्ष से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नक्ष था जिसका अपनी पतंग को छोड़कर किसी और पर ध्यान ही नहीं था। इस वक्त की स्टोरी रिवॉल्व कर रही है तारा के अराउंड और नक्ष के अराउंड, क्योंकि तारा को कुछ पता चल जाता है जो वो नक्ष के साथ शेयर करना चाहती है। तारा वक्त रहते नक्ष से बात कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर कोई नई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। पर्दे के ऊपर तो इन सब का नाच गाना चल रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे ये सभी पतंगों पर अपनी विश लिख रहे थे। आप सभी की ये सारी विशेष जल्द पूरी हो जाए और कोई नई टेंशन आप सबके सर पर ना आए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।